नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अगर आप बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल बीपीएससी ने नए नियम जारी किए हैं, नए नियम लागू किए हैं, तो ये आपको खबर जानना चाहिए कि अगर आप 68वीं बीपीएससी पीटी के अभ्यर्थी हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप तुक्के में आंसर देते हैं और अगर आप तुक्का मारने का सोच रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि अब जो है नेगेटिव मार्किंग शुरू होगी। अब अगर आप तुक्के में आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी गई है। और भी क्या कुछ नियम, नए नियम लागू किए गए हैं और भी क्या कुछ नए कानून जारी किए गए, चलिए आपको हम इस खबर में विस्तार से बताते हैं। 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। 2 घंटे की 150 प्रश्नों के लिए 150 अंकों की परीक्षा में अब तुक्का लगाना अभ्यर्थियों को महंगा पड़ेगा। एक गलत उत्तर पर कितने अंक कटेंगे या फिर कितने प्रश्नों पर नेगेटिव अंक रखा जाए, यह अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर तय होगा। बीपीएससी ने शुक्रवार को 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। आयोग की वेबसाइट पर 25 नवम्बर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में 2 शिफ्टों में परीक्षा हो सकती है। वहीं आपको बताएं कि आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजन हो सके, इस पर विमर्श के बाद ही तय होगा कि 1 शिफ्ट में परीक्षा होगी या 2 शिफ्ट में। तो वहीं आपको बताया कि अभी तक आयोग को विभिन्न विभागों से 281 रिक्तियां मिली है। वैकेंसी आने के बाद भी पद रिक्ति के संख्या बढ़ जाएगी। अब आई रिक्तियों में पुलिस उपाधीक्षक के 8, प्रखंड SC ST कल्याण पदाधिकारी के 60, राजस्व पदाधिकारी के 39, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 35, बिहार शिक्षा सेवा के 4, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी के 40, आपूर्ति पदाधिकारी के 14, फायर ऑफिसर के 19, मद निषेध पदाधिकारी के 20, वाणिज्य कर पदाधिकारी के 7, निर्वाचन पदाधिकारी के 8, सहकारिता पदाधिकारी के 4, समाज कल्याण सहायक निदेशक के 5 तथा काराधीक्षक के 2 पद। और आपको बताएं कि मेंस के लिए चुने जाने वाले अभ्यर्थियों की, आपको बताते चले कि नई व्यवस्था से गंभीर रूप से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। तुक्का लगाने की जगह कॉन्फिडेंस से जवाब देने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिजल्ट में गंभीर और तेज तर्रार अभ्यर्थियों को सफलता अधिक मिलेगी। वहीं आपको बताएं कि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को संभावित है। तो देखिए, 67वीं बीपीएससी पीटी में सफल हुए 11,607 अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए 21 नवंबर से 6 दिसंबर तक आवेदन मांगा गया है। मुख्य परीक्षा 29 दिसंबर से है। रिजल्ट की संभावित तिथि 14 मार्च है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 29 मार्च से और फाइनल रिजल्ट 18। देखिए, अगर आप बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, अगर आप 68वीं पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप जान लीजिए कि आपका अब जो है आवेदन की तिथि है वो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक है। तो आप 25 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में जाकर के ये आप आवेदन जारी कर सकते हैं, और जो कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप तुक्का मारने का सोच रहे हैं तो ये सोचना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग शुरू की गई है। तो अगर आप कॉन्फिडेंशियली एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट होकर के आंसर देते हैं, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।